क्या यूपी के ब्राह्मण योगी सरकार से नाराज हैं और क्या इस बार ब्राह्मण समाज तय करेगा यूपी में सत्ता की चाबी किसके पास होगी। जिस तरह से हर पार्टी यूपी के ब्राह्मण समाज को लुभाने में लगी है उससे तो यही लगता है। पूर्वांचल की सियासत में ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी का परिवार कल समाजवादी पार्टी में शामिल होगा और इससे पूर्वांचल में बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ गई है। तो आज ब्राह्मण समाज उद्वेलित है। ये जो वंशवाद के प्रोडक्ट है ये राष्ट्र के हित को किस तरीके से वोट की खातिर बेच डालते हैं इसको भी हमको समझना चाहिए। मिशन 2022 के लिए अखिलेश का ब्राह्मण कार्ड। पूर्वांचल में बढ़ेगी बीजेपी की टेंशन। यूपी में सत्ता के लिए ब्राह्मणों का आशीर्वाद जरूरी। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दल ब्राह्मण वोटरों पर दाव लगाने में जुट गए हैं। क्या समाजवादी पार्टी, क्या बहुजन समाज पार्टी और क्या बीजेपी, सभी पार्टियां ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाने में लग गई हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भगवान परशुराम की मूर्ति लगवा रहे हैं तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं। यूपी की कुर्सी पर काबिज होने के लिए मायावती को 14 साल बाद फिर से ब्राह्मणों की याद आई है तो अखिलेश यादव भी ब्राह्मणों का वोट पाने के लिए हर रोज नया दांव खेल रहे हैं। अब पूर्वांचल की सियासत में ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के दोनों बेटे हाथी से उतरकर साइकिल की सवारी करने जा रहे हैं। यानी विजय शंकर तिवारी और कुशल तिवारी कल समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। विनय शंकर तिवारी की माने तो ब्राह्मण समाज योगी सरकार से नाराज चल रहा है। सरकार ने उसके खिलाफ आपने देखा एक वर्ग विशेष के अधिकारी रखे जा रहे हैं, एक वर्ग विशेष के लोग हैं और ब्राह्मणों के ऊपर लगातार अत्याचार हुआ इस सरकार में। तो ब्राह्मणों में उत्तेजना है, वो चाह रहा है कि हम कहाँ चले जाएं, किसके साथ जाके खड़े हों। तो निश्चित रूप से वो आज की तारीख में समाजवादी पार्टी को बेहतर विकल्प मानने के लिए तैयार हो रहा है। हमारी जितने लोगों से भी बात हुई है सभी लोग लगभग इस मत के हैं कि नहीं समाज, हमने अपने समाज में लोगों से बात भी की है, ढेर सारे लोगों से बात की, उसके बाद ये फैसला लिया। पूर्वांचल की सियासत में ब्राह्मण और ठाकुरों के बीच सियासी जंग से पूरा यूपी वाकिफ है और अब यूपी विधानसभा चुनाव से पहले हरिशंकर तिवारी के बेटों का समाजवादी पार्टी में एंट्री होना पूर्वांचल के सियासी समीकरण को बदल सकता है। हरिशंकर तिवारी के बेटों के सपा में जाने के बाद न सिर्फ बीएसपी बल्कि बीजेपी के भी ब्राह्मण वोट बैंक के सामने एक चुनौती जरूर खड़ी होगी। तो वहीं अखिलेश यादव को पूर्वांचल में एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा भी मिल सकता है। यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व हमेशा से रहा है। आबादी के लिहाज से राज्य में लगभग 13% ब्राह्मण है। कई विधानसभा सीटों पर तो 20% से ज्यादा वोटर्स ब्राह्मण है। ऐसे में हर पार्टी की नजर इस वोट बैंक पर टिकी है। यूपी में सियासी सरगर्मियां इन दिनों शबाब पर है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।